जिला नूह की हामिद कॉलोनी वार्ड नंबर 1 आया गंदगी की चपेट में, जिलावासी हैं परेशान। जिला नूह की हामिद कॉलोनी वार्ड नंबर 1 के हालात बद से बदतर हैं। जिलावासियों ने बताया कि बरसात के चलते रास्तों में पानी खड़ा हुआ है, आने जाने वाले रास्तों से निकलना बिल्कुल दुश्वार हो गया है। हमारे कॉलोनी के रास्ते बिल्कुल कच्चे हैं, ज्यादा बरसात होने से रास्तों में पानी खड़ा हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि बुजुर्गों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए इसी रास्तों से आना जाना होता है। रास्ता में पानी भरा होने की वजह से स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे को ले जाने वाली गाड़ी यहाँ नहीं आ पाती, जिससे बच्चों की पढ़ाई में भी रुकावट पैदा हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि गंदगी होने की वजह से बुखार व डेंगू बुखार का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले भारत सरकार ने स्वच्छता अभियान चलाकर जगह जगह स्वच्छता अभियान का परिचय दिया था। पीएम से लेकर चपरासी के हाथ में भी झाड़ू दिखाई देती थी, लेकिन अब लोगों के दिमाग से स्वच्छता का भूत उतर चुका है। जिला नूह की हामिद कॉलोनी वार्ड नंबर 1 में स्वच्छता अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेवा से इरफान अंसारी की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुबारक। मुबारक, क्या समस्या आपको बताओ? हमारे समस्या है, वार्ड नंबर 1 हामिद कॉलोनी है ये। जी यहाँ पे रास्ते नहीं बने हैं, इसके अंदर गड्ढे वगैरह बन के रास्ते के अंदर पानी जी बहुत ज्यादा भर गया है। जी यहाँ लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारे हाजी सरदार साहब हैं, कई बार बेचारे बुजुर्ग आदमी हैं जी और कई मरतबा गिरते गिरते बचे हैं, कपड़े उनके गंदे हो जाते हैं। जी घर से वजू करके चलते हैं मस्जिद में, जी नूरानी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते जी हैं, लेकिन होता है कि कपड़े खराब हो जाते हैं बेचारे, वापसी जाते हैं उनकी नमाज निकल जाती है। जी कोई भी गाड़ी वाला आता है, बाइक वाले कई बार गिर चुके हैं, स्कूल ना जा रहे पानी स्कूल के बच्चे जाते हैं, वो जी इसके ड्रेस खराब होगी वो गिर जाते हैं इसके अंदर, जी स्कूल की गाड़ियाँ टाइम पे नहीं आती, जी बच्चे तो स्कूल जाने सर लेट आपने हो जाते हैं। कोई कंप्लेंट वगैरह दी इसकी? ये कंप्लेंट मैं कल भी जो है नगर पालिका गया था, जी वहाँ पे कोई मिला नहीं था, 9:30-10 बजे के करीब मैं गया था, जी तो मेरे वहाँ जाके पता किया तो वो लोग कहते हैं कि इसका टेंडर अभी है नहीं, जी तकरीबन 2-3 महीने बाद है। सर हमें प्रॉब्लम यह है कि जो ये रास्ते हैं हमारे बहुत ज्यादा बदतर हुए पड़े हैं। जी हमारे बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान हैं, हम स्कूल 4-4 दिन बच्चों को नहीं भेजते, अगर भेज भी देते हैं तो बच्चे स्कूल से वापस आएंगे तो जी उनके जूते कपड़े सारा कुछ खराब हो जाता है, जी और जो भी यहाँ पे नमाजी नमाज पढ़ने के लिए निकलता है उसी के कपड़े खराब होते हैं, कोई बुजुर्ग कहीं कीचड़ में गिर जाता है। जी दूसरी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे मच्छर कुच्छर गंदगी और ये है जो जानवर है।